नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो अब तक 90 देशों में अपने पैर पसार चुका है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है, या WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा है। ये वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के जो स्पाइक प्रोटीन में 30 से भी अधिक म्यूटेशन है और जो इसके पहले के जो वेरिएंट थे उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रेन है, जो कि इसके पहले के जो भी इन्फेक्शंस थे या जो वायरस थे उसमें इतने स्ट्रेन्स नहीं थे। और ओमिक्रॉन जो है वो आपकी इम्यूनिटी से भी बचने में काफी ज्यादा माहिर है और यही वजह है कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इतनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक के सभी मामले बहुत ही हल्के थे, इनके लक्षण भी बहुत ज्यादा हल्के थे और अभी तक इसके वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। और WHO के अनुसार जो डेल्टा अगर जो वेरिएंट था उसकी तुलना में अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो ये हमेशा बीमारी हल्की रहेगी और इसके किसी भी तरह की लापरवाही अगर आप करते हैं तो इसका भुगतान भी आपको भोगना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन वेरियंट के बारे में ही बात करने वाले हैं, उनके कुछ लक्षणों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं ओमिक्रॉन के कुछ लक्षणों के बारे में। इंडिया में ओमिक्रॉन के जो लक्षण है या ओमिक्रॉन के जो पेशेंट है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है और अभी देश में अब तक ओमिक्रॉन के 228 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो डेल्टा की तुलना में, जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी तुलना में अलग है और इसकी संक्रात्मकता जो है उसकी तुलना में ज्यादा है। तो ऐसे में हमें ओमिक्रॉन के कुछ लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है ताकि हम इसकी पहचान कर सके और अपने आप को इससे बचा के रख सकें। तो इनके कुछ लक्षणों के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो कोरोना की जो पिछली लहर थी, जो डेल्टा वेरियंट ने कहर मचाया था, तो उसके लक्षण जो है हल्के से लेकर बहुत ज्यादा सिवियरिटी तक थे और इससे मरने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा परेशानी वाले सिम्टम्स थे, बहुत ज्यादा परेशानी थी और डेल्टा से जो संक्रमित जो मरीज थे उनमें कुछ सामान्य लक्षण थे, जैसे कि तेज बुखार का होना, लगातार खांसी का बना रहना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ होना और कभी हमें गंध या सुगंध जो होती है या टेस्ट के मामलों में भी हमें कुछ समस्या देखने को मिली, जहां पर हमें सूंघने की क्षमता जो थी या टेस्ट जो थे वो हमें ना के बराबर थे, ऑक्सीजन जो लेवल था वो अचानक से कम होने जैसे लक्षण जो थे हमें डेल्टा वेरियंट में देखने को मिले थे। और ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो डेल्टा वेरिएंट से कुछ अलग है लेकिन हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लक्षण आएगा ओमिक्रॉन में वो ये है कि थकान बहुत ज्यादा होगी। तो कोरोना के जो पहला वेरिएंट था उसमें भी काफी ज्यादा वीकनेस थी, थकान हमेशा बनी रहती थी और हमेशा थकान महसूस होती थी, साथ में जो उनकी रोजमर्रा या दिनचर्या थी जो वो उनको करने में असक्षम थे, हर समय उन्हें आराम करने का मन करता था। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि थकान जो है हमें सिर्फ इस प्रॉब्लम में ही होगी ऐसा नहीं है, हमें कई तरीके की प्रॉब्लम होती है जिनमें वीकनेस जो है वो एक कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है, प्रॉपर टेस्ट के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या हो रहा है और क्या उसकी वजह है कि हमें थकान जो है महसूस हो रही है। नेक्स्ट जो होता है लक्षण वो होगा गले में चुभन का होना। गले में चुभन होना अगला सिम्टम है। तो जो ओमिक्रॉन के जो संक्रमित हो सकते हैं मरीज उनमें गले में खराश की बजाय वहां पे गलन में चुभन होती है। जो पहले के जो वेरिएंट थे उसमें बहुत ज्यादा खराश होती थी, गले में दर्द होता था, लेकिन इस वेरिएंट में गले में कुछ चुभने जैसा महसूस होता है जो कि असामान्य होता है। गले में खराश और चुभन काफी हद तक एक तरह से ही होते हैं लेकिन गले में चुभन जब होती है तो वहां पर जलन या कुछ गड़ने जैसा महसूस होता है और जबकि गले की खराश में आपको सिर्फ गले में दर्द होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला जो लक्षण होगा वो होगा हल्का सा बुखार का होना। तो बुखार जो होता है COVID-19 के आम लक्षणों में से एक है और कोरोना के पिछले वेरिएंट में भी आपको फीवर जो था वो हल्के से लेके तो सीवियरिटी में या तेज बुखार के साथ लक्षण देखने को मिले थे। तो ओमिक्रॉन के जो मरीज होंगे उनको हल्का बुखार होगा और आप अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। अगला जो लक्षण होगा वो रात को पसीना आना और शरीर में दर्द का होना। तो ओमिक्रॉन के लक्षणों में दो नई बातों को शामिल किया गया है, जैसे कि पहला जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज होगा तो व्यक्ति को रात के टाइम पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, रात को आने वाला पसीना इतना ज्यादा होता है कि उनके कपड़े उनके बिस्तर तक गीले हो जाते हैं। भले ही आप किसी भी ठंडी जगह पर लेटे हों लेकिन आपका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा उसमें पसीना आएगा,
ठंड रहने के बावजूद भी, और इसके साथ ही साथ आपके शरीर में या पूरे शरीर में बहुत ज्यादा तेज हो दर्द होगा और दर्द का अनुभव आप महसूस कर सकते हैं, तो ये लक्षण होगा। साथ ही साथ सूखी खांसी, ओमिक्रॉन के मरीजों में सूखी खांसी भी हो सकती है। ये एक ऐसा लक्षण है जो कोरोना के अब तक के सभी स्ट्रेन में देखा गया है, पिछले वेरियंट में भी आपको ये देखने को मिला था। और आमतौर पर ये जो सूखी खांसी होगी वो गले में खराश के साथ ही होगी, और अब तक के मिले डेटा के मुताबिक ओमिक्रॉन के हल्के लक्षण भी इसमें महसूस होते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो कोरोना के जो पिछला वेरिएंट था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। जो पहले वेरिएंट में देखे गए थे वो अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे कि पहले जो था, जो वेरिएंट था या डेल्टा वेरिएंट था, उसमें मरीज को खाने का स्वाद या फिर सुगंध नहीं बिल्कुल महसूस हो रही थी, ना वो सूंघ पा रहे थे। और जो तो ये जो सिम्टम है ये आपको ओमिक्रॉन में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पहले के वेरिएंट में आपको नाक में बहुत ज्यादा बंद या भरी हुई नाक जैसे लक्षण थे, जो कि इस वेरिएंट में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उसमें तेज बुखार भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बुखार नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, बहुत माइल्ड होता है। साथ ही साथ अभी के जो मरीज हैं, ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं, उनमें सांस से जुड़ी कोई भी दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो कुछ ये लक्षण है जो पहले के वेरिएंट में थे बट अभी ये वेरिएंट में नहीं है। ओमिक्रॉन में सांस से जुड़ी कोई दिक्कत क्यों नहीं है, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। जैसे कि कोरोना के अब तक के जो भी वेरिएंट थे उसमें सांस फूलने जैसी समस्या देखी गई थी, जिसमें कि लंग्स जो था वो काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा था और वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था, सांस से जुड़ी समस्याएं हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन के पेशेंट में ऐसे कोई भी लक्षण अब तक नहीं आए हैं, देखने को नहीं मिले हैं। तो इसके पीछे रीजन ये माना जा रहा है कि जो अभी का जो वायरस है वो फेफड़ों तक नहीं जा पा रहा है, या जा भी रहा है तो वहां पर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वहां पर उसके जो स्ट्रेंथ है वो नहीं पनप पा रहे हैं, या वहां पर वो इन्फेक्शन अपना उस तरीके से नहीं दिखा पा रहा है, या उनकी संख्या जो है गुणा में नहीं बढ़ पा रही है। हो सकता है कि ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट अभी है वो आपके सिर्फ गले तक ही सीमित है और वहीं पर वो अपना जो है ग्रोथ दिखा पा रहा है, लंग पे उनका ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, और ये खास वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके लंग्स जो हैं वो इन्फेक्शियस नहीं हो रहे हैं, या लंग से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन गले में या आपके थ्रोट एरिया में उनका जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर मामलों में गले में चुभन, दर्द जैसे जो लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि ओमिक्रॉन के जो भी लक्षण होंगे वो गले में ही होंगे, गले में ही बढ़ता है ये वायरस, इसलिए इसके मामले में चाहे वो कितना भी गंभीर हो जाए आपको निमोनिया नहीं होगा। ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो डेल्टा से भी हल्के हैं, जो पहले के वेरिएंट थे उसमें बहुत ज्यादा सिवियरिटी होती थी, लेकिन जो अभी का वेरिएंट है वो 7 गुना अधिक फैलने वाला है, मतलब इसकी जो इन्फेक्शियस कैपेसिटी है, जो संक्रमित करने वाली जो कैपेसिटी है वो 7 गुना ज्यादा है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएंट है अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके लक्षण या इसके गंभीर मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं, और अस्पताल में भर्ती होने जैसी सिचुएशन या मौत के मामले आने की संभावना इस वेरिएंट में थोड़ी कम है। चाहे जो भी हो, लेकिन हमें पूरी अवेयरनेस के साथ रहना है, जो भी हमारे जो प्रोटोकॉल थे हमें उसको फॉलो करना है, मास्क से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल थे जो पहले थे, जो डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल थे, और जो हम जितना हो सकता है उसको हमको बाहर नहीं जाना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठे वाली जगह पे हमें नहीं जाना है, अपनी पूरी सेफ्टी और केयर के साथ हमें रहना है, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, जो भी पहले के प्रोटोकॉल थे उसको हमको जरूर फॉलो करना है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, और ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल भी होगी, ओमिक्रॉन को समझने में आपकी मदद हुई होगी इस वीडियो में। इसी तरह अच्छे अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोज को देखने के लिए और उसका लाभ पाने के लिए आपको मेरे इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।